हेलो हेलो 1 2 3 हेलो हेलो माइक टेस्ट। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे पास एक कंडेंसर माइक है, इसे हम इलेक्ट्रिक माइक भी बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में इस कंडेंसर माइक के लिए प्री एम्पलीफायर बनाने वाले हैं। तो इसके पहले के वीडियो में हमने डायनामिक माइक के लिए प्री एम्पलीफायर बनाया था। इस प्री एम्पलीफायर पर कंडेंसर माइक लगाते हैं तो वो चलता नहीं है, तो इसका जो है अलग से डेटा शीट है, तो मैं आपको एकदम आसान तरीके से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो की जानकारी पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस तरीके से छोटे कंडेंसर माइक की जगह पे हम इस तरीके से बड़े कंडेंसर माइक भी लगा सकते हैं, तो एकदम परफेक्टली वर्क करता है। तो देखिए कैसे बनाना है। तो हमारा जो डायनामिक माइक है कुछ इस तरीके से होता है। बीच में जो है एक मैग्नेट होता है और उसके बाजू कॉइल होती है, और हम बोलते हैं तो यहाँ पे ऐसे वेरिएशन निकलते हैं, यहाँ पे वाइब्रेट होता है, तो वाइब्रेट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट होता है मैग्नेट के ऊपर कॉइल के मूवमेंट की वजह से। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट होने के बाद यहाँ पे प्री एम्पलीफायर पर लगता है, तो यहाँ पे जो है एम्पलीफाई करता है यहाँ पे हमारी आवाज़ को, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये डायनामिक माइक है। तो इससे अलग हमारा कंडेंसर माइक है। कंडेंसर माइक पर हमें पावर देना पड़ता है, उसके बाद ही हमें सिग्नल मिलते हैं। तो देखिए कैसे बनाना है। तो यहाँ डायग्राम देखिए, तो ये हमने पोर्टेबल माइक के लिए बनाया था डायनामिक माइक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है पावर आ रहा है, तो यहाँ कंडेंसर माइक पर जा रहा है, तो ये डायनामिक माइक है, यहाँ पे कोई पावर नहीं है। तो जो हमारा डायनामिक माइक है खुद का पावर जनरेट करके यहाँ पे प्री एम्पलीफायर को देता है, तभी ये प्री एम्पलीफायर चलता है, ठीक है। तो जो हमारा कंडेंसर माइक है बहुत ही सेंसिटिव होता है आवाज़ कैच करने के लिए। तो देखिए कैसे बनाना है। तो यहाँ पे मैं स्टैंड ले लेता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा स्टैंड है और ये हमारा डेटा शीट। तो अभी हम यहाँ पे कंपोनेंट ले लेंगे। तो यहाँ पे हमें 100K का लगने वाला है रेजिस्टेंस, तो उसका रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे ले लेता हूँ 100K। अभी हमें 2 10K के रेजिस्टेंस लेना है। तो देखिए यहाँ पे 2 10K के रेजिस्टेंस है, और जो यहाँ पे 0.1 UF 50 वोल्ट का यहाँ पे कैपेसिटर है, उसकी जगह पे यहाँ पे 104 का यहाँ पे PFB लगा सकते हैं। तो ये PFB लगा सकते हैं या फिर कैपेसिटर भी लगा सकते हैं, इसकी वैल्यू है 100 NF। तो अभी हम यहाँ पे 10 UF 50 वोल्ट का कैपेसिटर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास 10 UF 50 वोल्ट का कैपेसिटर है, तो इसे यहाँ साइड में रख देता हूँ। BC548 ट्रांजिस्टर कुछ इस तरीके से है, ठीक है, BC548। तो इसे यहाँ पे हम लगा देंगे, ठीक है। और जो है ये माइक, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 100K का रेजिस्टेंस लगाने वाले हैं कलेक्टर बेस पर, तो ये इस तरीके से लगने वाला है। तो देखिए यहाँ पे 100K का लग चुका है। अभी हमें 10K का रेजिस्टेंस लगाना है, तो ये जो है कलेक्टर पे लगने वाला है 10K का रेजिस्टेंस। तो ये कुछ इस तरीके से लग चुका है, तो इसे थोड़ा सा टर्न कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये रहने वाला है 10K। अभी यहाँ पे हम 104 का PF लगाएंगे 100 NF का, तो वो बेस पर लगने वाला है इस तरीके से 0.1 UF 50 वोल्ट। तो यहाँ 100 NF 10K का रेजिस्टेंस लगाएंगे हम डायरेक्ट पावर से। तो देखिए इस तरीके से इसकी डेटा शीट है, और यहाँ पे हम लास्ट कैपेसिटर लगाएंगे। तो ये जो है कैपेसिटर 10 UF 50 वोल्ट का है, तो इस तरीके से यहाँ पे है कलेक्टर पर। तो देखिए इस तरीके से हमारी असेंबली हो चुकी है। तो यहाँ पे हम पावर लगाएंगे। तो यहाँ पावर के लिए यहाँ पे 3.7 वोल्ट का बैटरी लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ग्राउंड लगा देता हूँ, जो ग्राउंड है यहाँ पे एमीटर पर। तो ये सभी का एक कॉमन ग्राउंड है, ठीक है। अब इसमें माइक लगाएंगे। माइक लगाने के लिए यहाँ पे हमारे पास माइक है।
तो ये जो कंडेंसर माइक है इस पर पॉजिटिव नेगेटिव होता है, जो नेगेटिव साइड होता है वो पूरे ग्राउंड को टच होता है यहाँ पे, और जो अपोजिट साइड है ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हम यहाँ पे वायर लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए इस तरीके से हमने वायर लगाया है। इसमें जो आप देख रहे हैं ये छोटा सा SMD कैपेसिटर है, ठीक है, अगर ये नहीं भी रहा तो चलता है। तो इस तरीके से हमारा माइक है, तो इसका हम पॉजिटिव लगाएंगे 100 NF पर यहाँ पर, ठीक है। और इसका जो ग्राउंड है यहाँ पे लगा देंगे। तो अभी हम पावर लगाया नहीं है, इसे हम बाद में लगाएंगे, ठीक है। ये जो है पूरे कनेक्शन हो चुके हैं, तो अभी हम इसे एम्पलीफायर लगाएंगे। तो जैसे कि मेरे पास ये एम्पलीफायर है PAM 8403, तो ये है हमारे पास दो स्पीकर हैं, और इसका जो है ये है एम्पलीफायर। तो इसमें जो है हमने वॉल्यूम लगाया है, अगर हम वॉल्यूम नहीं लगाते हैं तो यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आएगी, और हमारे पास वैल्यू कम करना ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कनेक्शन देख लीजिए किस तरीके से एकदम शॉर्ट में। तो यहाँ पे जो है एक नंबर की पिन है यहाँ पे ऑडियो इन होने वाला है, ठीक है, और जो बीच के दो वायर हैं यहाँ पे आगे और पीछे वो हमारे लेफ्ट और राइट पर लगने वाले हैं, ठीक है, और जो तीन नंबर की पिन है ये मिडल पर लगने वाला है, ये ग्राउंड वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है वैल्यूम है इसे हम मिनिमम करेंगे, और इसका जो एक नंबर के पिन है यहाँ पे हम कैपेसिटर पर लगाएंगे। तो यहाँ कैपेसिटर से आउट होगा ऑडियो और वॉल्यूम में इन होगा। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे जो है हमारे कनेक्शन हो चुके हैं, तो इसे हम पावर भी लगा देंगे। तो प्री एम्पलीफायर को यहाँ पर हम पावर का लगा देंगे। और ये है हमारा पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेगा कॉमन यहाँ पे, 10K प्री एम्पलीफायर को भी जाएगा, 10K यहाँ पे माइक को भी जाएगा। तो यहाँ पे इसका कॉमन है। तो यहाँ अच्छे से लग चुका है। तो अभी हम यहाँ पे बैटरी का पावर लगाएंगे पॉजिटिव, थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ यहाँ पे, ओके। तो ये हमारा बैटरी का पावर लगाएंगे पॉजिटिव पर। ठीक है, इस तरीके से हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अभी से हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे यहाँ पे। तो माइक स्पीकर के पास नज़दीक था इसलिए यहाँ पे बज रहा है। हेलो हेलो 1 2 3 हेलो हेलो माइक टेस्ट हेलो हेलो 1 2 3 हेलो हेलो माइक टेस्ट हेलो माइक टेस्ट। तो देखिएगा इस तरीके से हम पोर्टेबल माइक भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा सर्किट एकदम वर्क कर रहा है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू गाइस।